दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, JKSSB की साइड से ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुका है, जो आपके अपकमिंग शेड्यूल एग्ज़ाम जो थे JKPSI के। और शाम को ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप जो फर्दर एग्ज़ाम जो है वो JKPSI के जो शेड्यूल्ड हैं उनको करवाइए, और रिजल्ट जो है उसको जब तक कोर्ट की साइड से कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करना है। तो इसी चीज़ को लेते हुए JKSSB की साइड से ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुका है। अब इस नोटिस में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, और इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन होंगी, जो भी जॉब्स रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे, वो भी चैनल के ऊपर हम लोग जो अपलोड करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। तो इस नोटिस में दोस्तों यही लिखा है कि रीशेड्यूल्ड जो है कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट जो CBT शेड्यूल्ड थे, 9 को जो शेड्यूल किया गया एग्जाम था, आज का जो था उसको तो पोस्टपोन किया था। और फर्दर यहाँ पे इन्होंने ये क्या इस नोटिफिकेशन में लिखा है, ये लिखा है कि आपका जो 9 वाला जो एग्जाम आज जो होना था उसको पोस्टपोन किया था। कल ही नोटिस मैंने इस वीडियो भी अपलोड किया था इसके रिकॉर्डिंग, और PDF भी जो है टेलीग्राम के ऊपर शेयर की थी। अब जो जो आपका आज का एग्जाम है दोस्तों, ये कब होगा, शैल बी नाउ हेल्ड ऑन 20th जो है उसमें होगा, यानी आने वाली 20 तारीख को इसी मंथ में होगा। और यहाँ पे डेट मेंशन किया है कि जो कल का नोटिस था जिसमें पोस्टपोन किया था उसको रीशेड्यूल जो है वो 20 को किया गया है, यानी जो आज 9 दिसंबर का जो एग्जाम था अब वो 20 दिसंबर को होगा। इसके बाद आगे जो इसमें लिखा गया वो लिखा है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किए थे 9 यानी आज के एग्जाम के लिए 9 दिसंबर को जो था, वो अब वैलिड नहीं रहेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के जो एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की है कि आप 13 से लेकर 17th तक जो है लेवल 1 लेवल 2 का एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड जो है वो कर सकते हो। इसके बाद फर्दर यहाँ पे आगे इस नोटिस में क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि जो आपके 11 से लेकर 19 तक जो शेड्यूल्ड एग्जाम था वो एज पर शेड्यूल ही होगा, जो ऑलरेडी आपको जो है डेट शीट जो थी एज पर शेड्यूल एग्जाम के लिए जो आपको बताया गया था JKSSB की साइड से, वो एज पर उन्हीं डेट्स को जो है वो होगा। इसके बाद जो जहाँ पे आपको लास्ट लाइन ये लिखने हैं कि जो इनकन्वीनियंस जो आपको हुआ है कैंडिडेट्स को, उसको डीपली हम जो है वो रिग्रेटेड करते हैं। तो यही था दोस्तों पूरा नोटिस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट होगी, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।